दोस्तों कहीं कहीं नए साल पे लोग जो है ऑफर मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे नए साल पे कुछ बुरी खबर भी आ गई है। लोगों को बहुत सारे डाउट हो गए हैं, न्यूज़ में बहुत तेज़ी से आ रहा है कि रिचार्ज प्लान इंक्रीज हो गए। कितने रिचार्ज प्लान कौन सी कंपनी करेगी और कौन सा रिचार्ज अब 2022 में जो कराते हैं उस रिचार्ज प्लान की 2023 में प्राइस क्या हो सकती है, कब से होगी, पूरी जानकारी। दोस्तों एयरटेल के बारे में आप जानते हैं तो एयरटेल का जो 299 का आता है रिचार्ज मिनिमम 28 दिन के लिए 1.5 GB डाटा डेली, ये प्लान बढ़ाकर आपको 329 रुपये देना पड़ सकता है। बिल्कुल, आपने जब 10% बढ़ाएगी रिचार्ज कंपनी तो 329 रुपये हो जाएगा मिनिमम रिचार्ज ये प्लान है। अब बात करते हैं 2 महीने का प्लान कितना होगा। तो एयरटेल का जो 2 प्लान आता है 2 महीने का 479 रुपये का, आप भी जानते हैं 479 रुपये में 56 दिन के लिए मिलता है डाटा। ये प्लान को यदि बढ़ाया जाता है 10% तो 527 रुपये तक आपको देना पड़ जाएगा इस प्लान के लिए। अब बात करते हैं 3 महीने का प्लान जो आता है 719 रुपये का 84 दिन के लिए, इस प्लान को यदि इंक्रीज करती है कंपनी तो 791 रुपये आपको पे करना पड़ सकता है। दोस्तों मैं बता दूं अब वोडाफोन आइडिया के बारे में, तो वही प्लान वोडाफोन आइडिया का 299 ही होता है, तो वोडाफोन आइडिया भी बढ़ाएगी तो आपका वही हो जाएगा 329 रुपये और 2 महीने का प्लान हो जाएगा 527 रुपये। और 3 महीने की बात करते हैं तो इस प्लान को 3 महीने का बढ़ाकर 719 के स्थान पर आपको पे करना पड़ सकता है 791, क्योंकि तीनों कंपनी का सेम ही रिचार्ज प्लान होते हैं, आपको भी पता है। लेकिन अब बात आती है जियो के बारे में, जब ये दोनों प्लान बढ़ाएंगे तो जियो भी आपका रिचार्ज प्लान ज़रूर इंक्रीज करेगा, जो भी प्लान होगा उसमें 10% तक बढ़ा सकता है जियो। अब ये बात आती है कि जो भी प्लान है बढ़ा सकता है, लेकिन ये कब तक बढ़ सकता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका 2023 के फर्स्ट वीक तक यानी पहले सप्ताह तक आपके रिचार्ज प्लान इंक्रीज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो आपको देखना है कि कितने प्लान कौन से आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको नई नई रिपोर्ट और जानकारी सिम कार्ड संबंधित मिलता रहेगा।